राजधानी आए ज्योतिष पीठ से मुकुंदा नंद जी महाराज ने झरनेश्वर मंदिर में मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा। आगामी 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत अयोध्या धाम से होगी। गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन चलाया जाएगा। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में आंदोलन चलाया जाएगा। राजधानी भोपाल पहुंचने पर आंदोलन से जुड़ी जानकारी ज्योतिष पीठ से मुकुंदा नंद जी महाराज ने मीडिया से चर्चा के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजधानी भोपाल में गौध्वज स्थापित किया जाएगा। आगामी 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा की शुरुआत अयोध्या धाम से होगी, जो भारत के सभी राज्यों की राजधानी से होकर दिल्ली में संपन्न होगी। पहली बार देश में पता लगा कि गोभक्त भावना इतनी ज्वलंत है कि वो भारत की राजसत्ता को बना भी सकती हैं, और अगर वो गाय का काम नहीं करेगी तो उसको मिटाने का भी दम रखती हैं। इसी भावना के आधार पर वो आंदोलन तो किसी कारण से कुचल दिया गया, उसका दमन हो गया इस देश में, लेकिन आज भी हमारे मन में वो भावना है कि सच्ची श्रद्धांजलि धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज जी को यही होगी कि इस देश में गोहत्या बंदी हो जाए और गोमाता को राष्ट्र माता का सम्मान मिले। इसी क्रम में इसी चीज को स्वामी करपात्री जी महाराज जी के इस चीज को, इस कार्य को निरंतर गतिमान करने के लिए पूज्य गोपालमणि जी महाराज ने इस आंदोलन को जीवंत रखा और पूरे देश में इसके लिए कार्य किया, और अंततोगत्वा चारों पीठों के शंकराचार्य महाभागों का आशीर्वाद उनको प्राप्त हुआ, और इसी क्रम में ज्योतिष पीठ के परम पूज्य शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी ने इसका मार्गदर्शन, इसका नेतृत्व स्वीकार किया, और आज उनके रूप में यह आंदोलन पूरे भारत में गतिमान हो चुका है। हम गौ प्रतिष्ठा आंदोलन की तरफ से उनसे यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप गाय को केवल अपने व्यवहार के लिए मत उसका प्रयोग करें, कि जब तक दूध ले रहे हैं तब तक लेने के बाद एक कार्यक्रम की चर्चा कर रहे हैं। एक कार्यक्रम हुआ था लगभग 5 वर्ष पहले, जिसमें पूज्य जो हमारे वर्तमान शंकराचार्य जी वहाँ उपस्थित हुए। कार्यक्रम में एक सांसद जी आए थे, वो बिहार के किसी संसदीय क्षेत्र के सांसद थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि साहब, जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो उसको कटवा देना चाहिए, क्यों जबरदस्ती उसको बोझ की तरह रखते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि देखो भाई, ये तो इसी तरह की बात हो गई कि जैसे हमारी माँ वृद्ध हो जाए तो हम सफाई करने के दृष्टिकोण से उसको भी भेज दें कत्ल खाने में कि हमारी माँ कट जाए। हम ये गौ जो सेवक हैं उनसे ये अनुरोध करना चाहते हैं कि गाय को पशु मत समझिए। आप समझिए कि साक्षात ब्रह्म ही आपके घर में है। गाय जब छोटी बछड़िया होती है तो वो मूत्र देती है, उसका मूत्र उस समय सर्वाधिक गुणकारी होता है। जब वो बड़ी होती है तो वो बछड़ा बछिया के माध्यम से दूध देती है, नई संतति देती है, और जिस समय वो देने लायक नहीं रहती उस समय वो अपने रोम रोम से आशीर्वाद देती है। हम कृतज्ञ संस्कृति के लोग हैं, हमने जिसका दूध पिया है उसको हम किस मन से काटने के लिए भेज सकते हैं। तो हम गौपालकों से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसी यदि किसी में भावना है तो आप यदि सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो कृपया आप उन लोगों से संपर्क करिए, लेकिन कम से कम कटने के लिए किसी गाय को मत दीजिए। सारे देवताओं को यदि आप एक साथ देखना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं समष्टि रूप में, तो गौ माता में संभव है। और गौ माता की हत्या माने हम सनातन धर्मावलंबियों के मान्य जो देवता गण हैं उन सभी 33 करोड़ देवताओं की हत्या है। और जैसा कि महाराज जी ने बताया कि 80,000 गौएं प्रतिदिन कट रही हैं इस देश में, और जिस देश में आज वो लोग सत्ता में हैं जिनको हम लोग हिंदू समर्थक मानते हैं, और जो हिंदुओं के समर्थन से ही वहां जाकर के बैठे हैं। दुख की बात है कि इस तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। और सबसे श्रेष्ठ हमारे यहाँ कोई स्थान है तो भगवान शंकराचार्य जी का स्थान है। आज उन्होंने जो आवाज उठाई है पुनः करपात्री जी महाराज के बाद, जब पहला आंदोलन हुआ था गोबल का, तो उस समय बड़े बड़े शीर्षस्थ महापुरुष उसमें सम्मिलित थे। बड़ा सुंदर मार्गदर्शन मंडल बना था। उस मंडल में स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ साथ पुरी के शंकराचार्य जी महाराज उसमें थे। स्वनाम धन्य स्वामी नरेंद्र जी तीर्थ, उन्होंने 72 दिन तक आमरण अनशन भी किया था। उसमें गुरु गोलवलकर जी भी थे जो उस समय के सरसंचालक। उन्होंने बताया कि दिल्ली में यात्रा से जुड़े हुए सभी पहलुओं का निष्कर्ष निकाला जाएगा और इसके बाद गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने की बात कही। EMT News भोपाल।